देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फेजर की हेल्प लेंगे। फेजर मतलब, फेजर एक स्टेटमेंट पे काम करता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन एक SHM होता है। ठीक, देखिए हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक यूज करेंगे। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पे इस जगह इस पॉइंट O के अबाउट SHM कर रहा है इस पाथ पे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जो SHM के एक्सट्रीम्स होते हैं उनको इस तरीके से करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यूपर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने। अब जो एक पार्टिकल है जो इस सर्कल पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, इस सर्कल पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा, और इधर से अगर हम लाइट डालते हैं तो उसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे SHM करेगा। ठीक, अब इस ट्रिक की हेल्प हम यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेते हैं। उसने बोला है कि इसका टाइम पीरियड है टी। ठीक, वो बोल रहा है टी टाइम पीरियड है, इसका मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में टी टाइम लेता है। तो टी बाई एट में ये कितना एंगल ट्रेवल कर लेगा, 45 डिग्री, क्योंकि टी टाइम में कितना एंगल ट्रेवल करेगा, 360 डिग्री। तो टी बाई एट टाइम में कितना एंगल ट्रेवल कर लेगा, 45। आप देखिए पार्टिकल ने यहां से हमने उसको काउंट करना शुरू किया है, और 45 डिग्री कहां पे हो जाएंगे, यहां पे। इतना ट्रेवल करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, टी बाई एट टाइम में ये 45 डिग्री ट्रेवल करेगा। तो इसकी शेडो, अगर इधर से लाइट पड़ रही है तो इसकी शेडो पहले यहां पे थी, और अब इसकी शेडो कहां हो जाएगी, यहां पे। यानी कि शेडो ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये वाली लेंथ ए है तो ए साइन 45, ये होगी ए साइन 45। ठीक है ना, और ए की वैल्यू यहां पे कितनी है, ए, और साइन 45 कितना है, 1/√2। तो यहां पे अगर ए बाई रूट टू आंसर है तो ऑप्शन यहां पे डी करेक्ट हो जाता है।